दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हमसे डिलीट हो जाता है, या तो पेन ड्राइव में दिक्कत आ जाती है या फिर हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका डेटा डिलीट हो जाए। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना डेटा इजिली रिकवर कर सकते हो। जो भी आपकी फाइल्स डिलीट हुई थी आपसे, वो बिना किसी टेंशन के आपको वापस मिल जाएंगी। क्या ये पूरा प्रोसेस है सब मैं आपको आगे बताऊंगा, और साथ में मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा। पहले हम फाइल्स को डिलीट करेंगे और फिर हम करेंगे उन्हें रिकवर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, इसका नाम है वंडर शेयर रिकवरी एड। देखो आप इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। आप कितना आप यूज़ कर पाओगे फ्री में वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ये इंटरफेस आपको मिलता है, आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि डिलीटेड फाइल्स रिकवरी। अगर कोई फाइल आपकी गलती से डिलीट हो जाती है तो उसको आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद है रिसाइकल बिन रिकवरी, फिर आता है फॉर्मेटेड डिस्क रिकवरी। कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए भी हमको अपनी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ती है। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी विंडोज में एरर आ गया था जिसकी वजह से मुझे अपनी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ी थी। फिर मैंने अपना सारा डेटा यहाँ से रिकवर किया था। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी, इसकी भी हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है। मैं इस फीचर को भी यूज कर चुका हूँ। फिर है इसमें एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कुछ भी आप यहाँ कनेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, वायरस अटैक डेटा रिकवरी, सिस्टम क्रैश डेटा रिकवरी, या है आपका ऑलराउंडर रिकवरी। तो ये सब कुछ आप यूज कर सकते हैं इसमें। आप ये समझ लो अगर आपको डेटा रिकवर करना है तो ये उसके लिए एक ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर है। मैं आपको एक बार एक डेमो दिखा देता हूँ। मैंने एक पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है इसके साथ, ये कुछ फाइल्स हैं इसमें, कुछ इमेजेस हैं, जेपीजी फाइल्स, उसके बाद है पीडीएफ फाइल, एक्सेल, वर्ड और MP3, और ये एक PNG फाइल भी है इसमें। अब हम एक बार इसको डिलीट करते हैं, पहले शिफ्ट प्लस डिलीट, ये डिलीट कर दिया मैंने फाइल। यहाँ रिसाइकल बिन में भी देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है, और पेन ड्राइव हमारी खाली है, ये देखिए। अब हम एक बार इसको रिकवर करेंगे। यहाँ हमको आना है एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी पे, ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें। अब आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ ड्राइव शो हो चुकी है जो हमने कनेक्ट की हुई है, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब थोड़ा सा वेट करना है हमको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल्स आ चुकी हैं हमारे सामने, अभी स्कैनिंग चल रही है। लेकिन ये फाइल तो वही सब है जो हमको शो हो रही है जो हमने डिलीट की थी, एक MP3, एक PDF, एक एक्सेल, एक वर्ड और बाकी JPG और एक PNG। अगर आपको प्रीव्यू देखना हो फाइल का तो यहाँ प्रीव्यू भी आपको दिख जाएगा साइड में, ये देखिए। टाइम यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, इस टाइम पे 2 मिनट के आसपास का टाइम आ रहा है, 2-2.5 मिनट का टाइम आ रहा है। एक बार स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए फिर हम चेक करते हैं क्या निकल के आता है। 21% यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, 22%, तो यहाँ स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ ये सारी फाइल सेलेक्ट करता हूँ। अब हमने क्लिक करना है रिकवर पे। देखो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप ये फ्री में यूज़ करते हैं तो आप 100 MB तक डेटा रिकवर कर पाएंगे। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आपको ये परचेज करना होगा। क्या प्राइसिंग है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले एक बार हम रिकवर करके देख लेते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, हमको अब लोकेशन देनी है कहाँ हमें ये फाइल सेव करनी है। मैं वही पेन ड्राइव की लोकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर रिकवर। रिकवर करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पेन ड्राइव अभी खाली है, एक सेकेंड, ये देखिए। अब हम यहाँ पे करते हैं रिकवर पे क्लिक सेव। अब पेन ड्राइव हम रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ एक फोल्डर आ गया है रिकवर का। एक बार कंप्लीट हो जाए रिकवरी, या कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल्स रिकवरी कंप्लीटेड। अब एक बार चेक करते हैं हम फोल्डर ओपन करके, देखो ये सारी फाइल्स हमारे पास आ चुकी है, इमेजेस, PDF एंड वर्ड फाइल, PNG फाइल। तो इस तरह से आप इजीली डेटा रिकवर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ। तो इस तरह से होगा आपका डेटा रिकवर। आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज करो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स के लिए 100 MB बहुत होता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और काफी लोगों के लिए तो डॉक्यूमेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप इसमें रिकवर करोगे तो आपको यहाँ सारा डेटा शो हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप मार्क कर सकते हो जो सा डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही आप इसमें रिकवर कर सकते हो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा डेटा ही रिकवर करना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके रिकवर कर सकते हो जो भी आपको रिकवर करना हो। हाँ, अगर आपका डेटा ज़्यादा होगा तब आपको ये परचेज करना पड़ेगा। ये प्राइसिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ इसके सभी प्लान्स आपको मिल जाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको, अगर आप ये परचेज करते हैं तो 1 ईयर लाइसेंस की जगह पे लाइफ टाइम वाला लाइसेंस लीजिएगा, क्योंकि प्राइस में यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के। बाकी अगर फ्री में आपका काम चल जाता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।